आप सबों को प्रभु का प्रेम सुभाग विशेष अवसर है। अगर आप बात बंद कर दें तो मेरी बात को सुनेंगे। बात बंद कर दीजिए। आज मेरा परिवार टूटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है। शैतान ने तो बड़ा हमला किया था कि मेरा परिवार टूट जाए और हम बिखर जाए, परंतु प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगा कि वो हमें और जीवन रखते और हमें बच्चों के बीच में केवल अपनी पढ़ाई के लिए अपनी सेवा के लिए रखे। जो आप देख रहे हैं सैमुएल और मैकल की मम्मी को, मेरी पत्नी को, आज उनको आप एक नए रूप में देख रहे हैं। अगर आप 4 महीने 6 महीने पहले देखते तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो जीवित बचेंगी। इतनी ज़्यादा बीमार थी, परंतु प्रभु से हम दुआ कर रहे थे जरूर उनके भरे कामों को देखिए, उनकी सेवा को देखिए जो उन्होंने चर्च में की है और आपके लोगों के बीच में उन्होंने सेवा की है और मेरे घर को भी संभाला है। और ये दुआ हम तीनों की और कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह ने सुनी और उनको एक नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु। हम जितना भी आपका धन्यवाद करें कम है, क्योंकि जिंदगी को देने वाले आपने, जिंदगी हमारी बड़ी कीमती है और प्रभु ने मेरी मैडम को एक नई जिंदगी देकर उनको पैरों पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता अपने परिवार के लिए। एक छोटी सी घटना और बताता हूँ। अभी 1 अक्टूबर को जैसे ही शाम को मैं निकल रहा था अपने दरवाजे पर, एक सांप गोल कुंडली मार के बैठा था। मैंने नीचे नहीं देखा, उसी के ऊपर पैर रख दिया और मुझे गिलगिल मिलकर कुछ लगा। मैंने कहा क्या है, जैसे देखा मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। काला मोटा बहुत बड़ा सांप के ऊपर मैंने पैर रख दिया था। उतनी देर में उसने काट दिया मेरे पैर के। तो मैंने कहा प्रभु यार इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा। और मैंने अपने घाव को पहले धोया और जब उसको मारने के लिए 2-4 डंडे मारे पर मैं मार नहीं सका और वो भाग गया, परंतु प्रभु ने मुझे बचा लिया। भाई जी ने जैसे देखा है तुम सांपों को अपने हाथ में उठा लोगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, कुछ भी आ रही होगी। प्रभु ने मुझे भी जीवन दिया, हम दोनों को जीवन दिया ताकि हम दोनों आपके लिए आदर्श रूप से कार्य करें और इस क्या के लिए बढ़े आगे। प्रभु को महिमा मिले। फिर सलाह बर्थडे मनाने के पहले डॉक्टर जोसेफ बोले कि अपनी मम्मी के खाने के बर्थडे के उपलक्ष्य में उन्होंने जो क्या क्या बनाए बता देना। आप सबों को प्रेज लॉर्ड। आज हम लोग अभी मम्मी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं और खाने में चिकन बना है और पुलाव है और सांभर बना है और आप सभी लोग ज़्यादा आमंत्रित हैं, मतलब कोई अच्छे से खा के जाइए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम मम्मी को 1 साल वर्ष और इसमें ने जोड़ा और मम्मी के बीच में तबीयत खराब थी, पूरे की हड्डी में चोट लगा था और इन्होंने अद्भुत रीति से मम्मी की हड्डी को जोड़ा और अच्छे से वो चल फिर पा रही है। इसलिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम उनका 74वां बर्थडे मनाएंगे। शांति सिस्टर हमारी सबसे बढ़िया सिस्टर और शांति सिस्टर हमारे पुराने विश्वासी हैं जब से चर्च शुरू हुआ है ना। और हमारी सिस्टर जो वहाँ से हैं पावर हाउस से, और सब पुराने लोग हैं नए लोग हैं, हम सब खुशी मनाएंगे और सिस्टर के साथ में आनंद करेंगे। ये मेरी प्रजा के लोगों, तो मेरी प्रजा के साथ आनंदित हो, आइए हम सिस्टर के साथ आनंदित हो। और हम बोलेंगे सब लोग बोले 1 2 3
आइए सब लोग चलो खाना लेके आओ, प्लेट में खाना लो।